जनाब सारे फरार धारीवाल ने तुसी जे मैं गल्ल की करन गल्ला बस किताबां ते मैं हुण आ के लईआं ने लेकिन सांझ नावल मैं पहले दा पढ़िया हो मैं इत्थे दस्सदा कि सांझ जिहड़ा मैं लिपियंत्र करके संगम पब्लिशर पटियाला तो गुरमुखी विच पवाया है असी बहुत सारिया किताबां मैं और मलिक साहब अपने मशवरे नाल असी उधर जिहड़ियां उह गुरमुखी च तकरीबन दर्जना किताबां जिहड़ियां छपा चुके हां उधर दे दोस्त राबता करदे ने कि कोई चंगी शै कोई चंगा नावल कोई चंगी कहानियां दी किताब है ते दसो असी छापना चाह रहे हां ते असी फिर मुशावरत नाल जिहड़ा ना कोई एक किताब सानू जिहड़ी चंगी लगदी है सां नावल सानू बहुत ही चंगा लगा मैनूं तो फिर असी गुरमुखी च कीता और उधरों छप गया बल्कि उस नावल दे उत्ते छपन तो बाद एक यूनिवर्सिटी के रिसर्च ऑफिसर ने बहुत अच्छा थीसिस भी लिखा है जिद तो कुछ जोड़ा वो असी इस परचे के छापया है और उम्मीद है कि वह इतने गल होएगी और पिछले दिन ही गिमी साहब की कहानी उत्ते एक दोस्त ने उधर एक आर्टिकल लिखा बहुत अच्छा शायर है जो उन्हें सदी दियाँ इक्कीवीं सदी दियाँ चंद कहानियां उन्हें डिस्कस कीतियाँ जिन्हों के गिमी साहब की मैं माँ ने कि तुरते पानी के पहाड़ कहानी उन्हें सदी की सब तो वड्डी कहानी इधरों जिहड़ा उन्हें मनिया और उल्टे लिखिया भी है गिमी साहब उन्होंने जिन्होंने असी पढ़ के जिवें मलिक साहब ने कहा असी पढ़ के उन्होंने लिखना शुरू किया और शकरगढ़ नारोवाल की धरती तो दो वड्डे राइटर एक रंधावा साहब भावें वह बाद लैलपुर चले गए एक गिमी साहब ये दो वड्डे राइटर ने जिन्हें पंजाबी जिहड़ा ना उस वेले सहारा दिता जो अजे जिहड़ा ना लोगों ने पंजाबी ते तहरीक वगैरह ते चलदी सी लेकिन राइटर जिहड़े सी जिहड़े अदीब सी उन्हां दे विचों ये दो बंदे जिहड़े सी इन्हां ने पंजाबी नूं लिख के उर्दू दे बराबर जिहड़ा है उर्दू अदब दे बराबर पंजाबी अदब नूं लिजा ला रहा है उह सानूं माण है कि साडी धरती दे जी दूजी गल परचे बारे सी मैं करनी चाहवांगा कि सुमेल असी छापना चाह रहे सी एक परचा मैं ते इजाज़ आप कुछ सलाह मशवरा हुंदा रहिंदा सी मलिक साहब नाल वी मैं ते वैब मैगजीन एक ऑलरेडी नीलकंठ दे नाम तो कढ़ना वा जिहदे ते तर्जमे जिहड़े ना ज़्यादातर मैं खुद ही कीते हुंदे ने खुद ही दोस्तां नूं पढ़ाउण वास्ते उह शेयर कर देंदे ने ते इजाज़ नाल गल होई कहण लगा कि यार परचा कढ़ना है एक ते उहदे लई कोई दोस्त जुड़ो मैं कहा ठीक है सबबी गिमी साहब आ गई इन्हों नाल उन्हें कोई अपना प्लैन शेयर किया तो इन्होंने कहा कि ठीक है इन्हें थापी दी थापी ही नहीं दी बल्कि उन्होंने इस परचे को पूरा जिहड़ा सपोर्ट किया इस परचे की लागत जो भी है मवाद तो चलो असी इकट्ठा किया लेकिन परचे की लागत दे जो भी खर्चा सी वो गिमी फाउंडेशन ने भरिया और उन्होंने हम भी भरी है कि अगों भी असी ये परचा जिहड़ा ना जारी रखांगे और तर्जमे की बड़ी लोड़ है तर्जमे के राही असी नवी तकनीक नवे थीम दूसरा अदब कितने खलोता है वो अगर बराबर असी अपने अदब में ले जाना है तो वो सानू तर्जमे की लोड़ पैंदी है और सानू खुशी है कि अगों नवे दोस्त भी साडे नाल जुड़नगे आसम भट्ट साहब बैठे ने इन्हां नूं पंजाबी पेड़ विच अज मैं बकायदा जी आयां नूं आखांगा उन्होंने कहानीकारी ते पंजाबी शुरू कर ही दी है मैं उन्होंने रिक्वेस्ट करांगा कि वह अगों परचे वास्ते कुछ तर्जमे ही देन क्योंकि वह बकीस नूं काफका नूं तर्जमा की बैठे ने उर्दू में तो उन्होंने उत्ते माँ बोली का भी हक है उन्हें अगर रिक्वेस्ट है कि वह सुमेल लिए अगों तर्जमे जिहड़े ने सानूं देन डॉक्टर अमजद अली भट्टी साहब नू भी तुसी कह सकदे हो उन्हां दा तर्जमे ते बहुत सारा काम है और मां बोली च उन्हां दा काम है कि ओह जरूर तुहाडी हेल्प करनगे तुसी उन्हां नू इग्नोर कर दित्ता नहीं नहीं इग्नोर नहीं अजे तक गल अजे ते इक वेखो जी नवे बंदे नू पंजाबी पेज च आए नू जी आए नू असी आख्या चेयरमैन साहब अकादमी प्यार साडे प्रोग्राम च आए ने असी उन्हां नू जी आए नू आखने आ डॉक्टर यूसुफ खुश्क साहब ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਵਧਾਇਆ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹ ਸ਼ਬਕਤ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਏ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਾਂ